हेलो मेरे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केबीएस पर। आज जो हम देखने जा रहे हैं मिक्सर एंड एलिगेशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा, तो उसी की सीरीज में आपका नेक्स्ट पार्ट है मिक्सर एलिगेशन पर। लगभग आपके 5 टॉपिक्स, कम से कम 5 लेक्चर्स में लूंगा, और एवरी लेक्चर आपका 1 आवर से 1 घंटे से 1.5 घंटे का रहेगा। तो अगर 5 घंटे का है तो 5 आवर्स तो आपके ऐसे ही हो गए, तो 7 से 8 घंटे का आप मिक्सर एलिगेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। और जिसमें आपके में सभी टाइप्स को इंक्लूड कर लूँगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? कोई भी टाइप आपका छूटेगा नहीं, ठीक। जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक मैसेज टाइप करना है, आई एम अ न्यू स्टूडेंट ऑफ KBS, ठीक है। आपको यहाँ पे ऐड कर लिया जाएगा, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पर दे दी जाएगी, ठीक है। जो हमारे न्यू बैच है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर जैसे हम यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहे हैं, आप उसके थ्रू भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? कोई भी क्वारी हो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं मिक्सर एंड एलिगेशन, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 है। इसमें जितने भी, अब देखो मिक्सर एलिगेशन से अगर मैं आपको बताऊँ तो CPO में, SSC CPO का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। और जो CGL का होता है, CGL में अगर हम मेंस में बात करते हैं तो मेंस में आपके करीब करीब 5 क्वेश्चन आपके रखे हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं 3 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। CDS में अगर बात करते हो तो CDS में भी इसके आपके 2 से 3 क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है। और अगर आप बात करते हो CHSL में, तो वहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। और यहीं पर बात करते हो अगर जैसे कि आपका कैट का होता है, कैट के एग्ज़ाम में भी इसके 2 से 3 क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ये प्रोसेस है। और बैंकिंग एग्ज़ाम की अगर मैं बात करता हूँ, तो बैंकिंग एग्ज़ाम में यहाँ से आपका 1 क्वेश्चन तो डेफिनेटली रखा है, ठीक है। 1 से 2 आ सकते हैं, मे बी इसके ऊपर कैशलेस DI भी आ सकती है, ठीक है। तो ये जो मिक्सर एलिगेशन है, इस पर कैशलेस DI मतलब 5 क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, मतलब आप देख सकते हैं 1 से लेके 5, तो 1 क्वेश्चन भी आ सकता है, अदरवाइज 5 क्वेश्चन भी कैशलेस DI के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बात समझ आ रही है? DI के फॉर्म में वो आप लोग वो लोग आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ये है आपका पॉइंट्स, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा ना, वो आपका कौन कौन से सारे आपके, यहाँ पर हम कोई सा भी फॉर्मूला नहीं रटने वाले, ठीक है। सारे जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा विदाउट फॉर्मूला कराऊंगा, और आप देखेंगे कि आपके लिए मैथ कितनी आसान हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज करूंगा रेशो मेथड का, यहाँ पे मैं यूज करूंगा रेशो मेथड का, ठीक है। यूज करेंगे हम यहाँ पर सक्सेसिव मेथड, ठीक है। सक्सेसिव मेथड कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे, ठीक है, और आसानी से आराम से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। सक्सेसिव मेथड, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा डेविएशन मेथड, बहुत ही आसान है, इनमें कोई फॉर्मूलाज नहीं होते हैं, ठीक है। डेविएशन मेथड के थ्रू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के थ्रू, इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, स्केलिंग फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो आपके ये मेथड्स हैं, इन सभी मेथड्स का मैं यूज़ करूँगा, और आप देखेंगे कि विदाउट फॉर्मूला हम आसानी से चीज़ों को कितनी आसानी से याद भी रख सकते हैं, और हमारे आंसर भी कितने अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है आप सभी को? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके कॉन्सेप्ट पर आप लोग फोकस करेंगे अच्छे से, ठीक है। मिक्सर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से निकलता है, ठीक है। और जितने भी पैटर्न बनते हैं वो मैं सारे आपको कराऊंगा, तो अच्छे से बस बने रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। देखो ध्यान से, ये आपका क्या है मिक्सर, जिसको हम बोलते हैं मिश्रण, ठीक है, मिक्सर। एलिगेशन आपका अलग चैप्टर है और मिक्सर आपका अलग चैप्टर है, तो दोनों को आप मैंने मिक्स किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले मिक्सर कराऊंगा, देन एलिगेशन, ठीक है। बात समझ आ रही है? चलिए, तो इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा बहुत अंतर, डिफरेंस आपका क्रिएट जरूर हो जाता है, ठीक है। चलिए तो ध्यान से समझेंगे। तो
तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है, यहाँ पर एक कंटेनर है, और ये जो आप देख रहे हैं, मैं दूसरा कंटेनर बना लेता हूँ अलग कलर से, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा कंटेनर हो गया, ठीक है, बात समझ आ रही है, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा कंटेनर हो गया। और ये जो फर्स्ट कंटेनर है इसमें आपका मिक्सर बड़ा हुआ है, फर्स्ट कंटेनर है इसमें आपका मिक्सर बड़ा हुआ है करीब करीब 55 लीटर, ठीक है, 55 लीटर का मिक्सर है आपका इसमें, ठीक। इसमें मिक्सर में क्या है आपका, मिल्क टू वाटर का रेशियो आपका क्या है, 8:3, ठीक है, बात समझ आ रही है, मिल्क टू वाटर का रेशियो आपका कितना है, 8:3, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, इसमें से क्या किया कि इसमें से 22 लीटर निकाल लिया गया, ठीक है, ये मिक्सर था आपका मिल्क एंड वाटर का, मतलब दूध का मिक्सर है, जिसमें आपका दूध भी मिक्स है और वाटर भी मिक्स है आपका, ठीक है, तो ये आपका 22 लीटर जो है निकाल लिया गया है, ठीक है। और फिर आपका जो, जब आप 22 लीटर यहाँ से निकालेंगे, जैसे कि कोई भी मिक्सर है, अगर आप उसमें से 22 लीटर निकालेंगे तो जो दूध या फिर पानी जो भी निकलेगा वो भी उसका जो रेशियो होगा उसका रेशियो भी कितना होगा, 8:3, तो वो भी आपका 8:3 में ही निकलेगा, जितना इनिशियल में था। ऐसा तो नहीं है ना कि जब आपने कुछ उसमें से निकाला, मान लीजिए कि आपका दूध का अमाउंट था, ठीक है, दूध और पानी का मिक्सर था, आपने जब निकालेंगे तो दूध आपने अलग कर दिया या फिर पानी आपने अलग कर दिया, वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो जब आप उसमें से कुछ भी मिक्सर निकालेंगे तो वो जो मिक्सर निकलेगा वो भी आपका 8:3 के रेशियो में ही निकलेगा, ये जो मिक्सर निकलेगा आपका 22 लीटर मिक्सर, ये भी आपका 8:3 के रेशियो में निकलेगा, और जो बचेगा वो आपका 8:3 के रेशियो में ही बचेगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये है आपका मिक्सर, अब आपका मिक्सर कितना बचा, देखो 55 लीटर था, 22 लीटर निकाल दिया, तो मिक्सर कितना बचा, 33 लीटर, 33 लीटर, और ये जो 33 लीटर बचा है इसका रेशियो भी क्या होगा आपका, इसका रेशियो भी आपका 8:3 के रेशियो में ही होगा, बात समझ आ रही है। देखो जो मिक्सर है वो तो 8:3 का है, इसमें से जो निकाला वो भी जो 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 कुछ भी हम निकालेंगे वो भी 8:3 के रेशियो में ही निकलेगा, और बाकी निकालने के बाद बाकी जो जो भी आपका मिक्सर बचा उस मिक्सर में वाटर और मिल्क और वाटर का जो रेशो रहेगा वो भी आपका 8:3 के रेशो में ही रहेगा, ये कॉन्सेप्ट है। इनिशियल में जिस रेशो में है उसमें से कुछ भी निकलेगा तो वो उसी रेशो में निकलेगा मिक्सर से, और जो बचेगा वो उसी रेशो में बचेगा, ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को, ठीक है। चलिए तो यहाँ से, अच्छा 22 लीटर निकाले ना तो गए थे 33 आपका बच गया, ठीक है, बात समझ आ रही है। जैसे कि आप लोग मान सकते हैं, अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि आपका मिल्क कितना है, आपका मिल्क कितना है यहाँ पर, यहाँ तो अगर आप यहाँ की बात करोगे मिल्क की, तो यहाँ पे मिल्क आपका कितना होगा, ये मैं दूसरा कलर चूज कर लेता हूँ, ये आपका हो गया मिल्क, ठीक है, तो मिल्क यहाँ पे कितना है 55, ये टोटल की वैल्यू है, 8 3 11 की वैल्यू है, तो 11 की वैल्यू नीचे, और आपको निकालनी किसने, मिल्क की वैल्यू, तो 8 की वैल्यू निकालनी है, तो 11 5 जा 55 40, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका मिल्क हो गया, और यहाँ पे वाटर का कंसनट्रेशन कितना है, ये आपका ये 55 की वैल्यू कितनी है, ये आपका 55 की वैल्यू, ये पूरी टोटल 11 की वैल्यू है, आपको निकालनी किसकी है, 3 की वैल्यू, ठीक है, तो 11 5 जा 55, 5 3 15, ठीक है, ये आपका आ गया, ठीक। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो इनिशियली, इनिशियल में आपका जो मिल्क और वाटर का अमाउंट है कितना है, यहाँ पे तो है आपका 40 लीटर, यहाँ पे आपका क्या है 40 लीटर, यहाँ पे जो आप देख रहे हो वो आपका कितना है 15 लीटर, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे मिल्क कितना बचा, यहाँ पे मिल्क कितना बचा, देखो 33 टोटल है, और ये आपकी किसकी वैल्यू, 11 की वैल्यू निकालनी है आपको किसको, मिल्क की, तो 8 की वैल्यू निकालनी है, तो 11 3 जा, तो ये आपका क्या आ जाएगा 24 लीटर, ये 8 कटेगा नहीं, ठीक है, ये आपका क्या आ गया 11 लीटर, बात समझ आ रही है, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 11 लीटर, ठीक है, सॉरी ये आपका आ गया 24 लीटर, ठीक।
देन उसके बाद आप यहाँ पे निकालेंगे वाटर कितना है, देन यहाँ पर जो आपका वाटर का कंसेंट्रेशन आएगा दैट वन इज अमाउंट, या आप अमाउंट कह सकते हैं, कंसेंट्रेशन आपका परसेंटेज में निकलता है, कंसेंट्रेशन आपका परसेंटेज में निकलता है या आपका अमाउंट है कि इनिशियल में आपका मिल्क कितना था 40 लीटर और वाटर कितना था 15 लीटर। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब यहाँ देखो, अब जब 22 लीटर निकाल दिया है तो जो जितना मिक्सचर बचा है उसमें मिल्क कितना है 24 लीटर और वाटर कितना है, तो निकाल दो फटाफट 33। ये पूरी 11 की वैल्यू निकालनी है आपको, 3 की वैल्यू, 11 3 जा, ये आपका आ गया 9, तो ये आपका आ गया 9 लीटर। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को? ठीक है, अब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर मिल्क और आपका ये जो वाटर है इसका जो रेशो कितना होगा, ये भी 8:3 का ही है। ये रेशो कितने का है, ये रेशो है आपका 8:3 का है। ठीक है, देखो अब इस पूरे मिक्सचर में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिल्क का कंसेंट्रेशन कितना है, ठीक है, मिल्क का कंसेंट्रेशन कितना है, मतलब सांद्रता, ठीक है, मतलब सांद्रता, ठीक है, कंसेंट्रेशन कितना है, तो उसके लिए आप क्या निकालना है, उसके लिए आप परसेंटेज निकाल दो। तो हमें निकालना है मिल्क का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, कंसेंट्रेशन मतलब परसेंटेज, तो 8 है वैल्यू, टोटल वैल्यू है 11 इंटू मल्टीप्लाई बाय कर दो 100। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, देखो 1/11 की वैल्यू आपकी होती है 9.09%, होती है नहीं होती है, इसके मल्टीप्लाई कर दो 9, 8, 8 9 72, 8 9 72, तो ये आपका आ जाएगा मिल्क का जो आपका परसेंटेज आएगा कितना आएगा। या फिर आप ऐसे बात कर सकते हैं, या तो मिल्क का परसेंटेज बोल सकते हैं आप लोग, या फिर आप लोग बात कर सकते हैं कि मिल्क का कंसंट्रेशन या फिर परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो वो दोनों एक ही बात है। यहीं से अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि वाटर का कंसंट्रेशन कितना है, वाटर का कंसंट्रेशन मतलब वाटर परसेंटेज कितना है, तो वाटर की वैल्यू है 3, टोटल है ओवरऑल है 11 बस। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, आपको कंसंट्रेशन निकालने के लिए एक्चुअल वैल्यू नहीं पता होनी चाहिए, अगर आपको रेशियो पता है तो उससे भी काम हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको रेशियो ही चाहिए। ठीक है, अगर एक्चुअल वैल्यू पता है तो उसका आप यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, कहने का मतलब दोनों है, तो अगर आपको दे रखा है तो भी सही है, वैसे तो हम उसका यूज़ नहीं करते क्योंकि हम रेशियो का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि फॉर्मूलाज में आपका रेशियो परफेक्ट है। ठीक है, रेशियो मेथड आपका बिल्कुल परफेक्ट है, इससे क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 है, 1/11 की वैल्यू आपकी कितनी होती है परसेंटेज में, आप बताएंगे 9.09%। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना आ गया, देखो 27, ये आपका आ गया 27। तो यहाँ पे वाटर का परसेंटेज या फिर कह सकते हैं कंसंट्रेशन कितना है 27.27%, और यहाँ पे वाटर और यहाँ पे मिल्क का परसेंटेज या फिर कंसंट्रेशन कितना है 72.72%। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो ये मैंने एक एक बात आपको क्लियर कर दी है इसका। ये आपका अमाउंट निकालते हो यहाँ पे, अमाउंट या आपका कंसंट्रेशन के लिए केवल रेशो की जरूरत है, तो आप उसको यहाँ से निकाल सकते हो। जो आपका मिक्सचर है जिस रेशो में स्टार्टिंग में है उसी रेशो में निकलता है, और जो बचता है वो भी उसी रेशो में ही बचता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, फटाफट क्वेश्चन करो। ये वाला ये फर्स्ट पैटर्न है, फर्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन से, ये मेंस 2018 में आ रखा है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग करते हैं, ये आपका हो गया। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मिल्क मैन हैज टू टाइप्स ऑफ मिल्क, तो उसके पास दो तरीके के मिल्क हैं। इन द फर्स्ट कंटेनर द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 80%। ठीक है, फर्स्ट कंटेनर में मिल्क का परसेंटेज 80 है, एंड इन द सेकेंड कंटेनर द परसेंटेज ऑफ मिल्क इज 60। ठीक है, ये आपका फर्स्ट कंटेनर हो गया, ये आपका सेकेंड कंटेनर हो गया। सेकेंड कंटेनर में कितना है मिल्क, मिल्क आपका कितना 60%। ठीक है, बात समझ आ रही है? उसके बाद क्या कह रहा है, इफ ही मिक्सेस 28 लीटर ऑफ मिल्क ऑफ द फर्स्ट कंटेनर का अगर वो 28 लीटर मिक्स करता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या क्या कह रहा है, और टू दी 32 लीटर ऑफ सेकेंड कंटेनर। ठीक है, तो देखो कंसंट्रेशन की बात कर रहा है वो, फर्स्ट जो आपका कंटेनर है उसमें 80% मिल्क है, सेकेंड जो कंटेनर है उसमें 60% मिल्क है, या आपका मिल्क का वैल्यू है, या आपकी मिल्क की वैल्यू है। तो अब वो क्या करता है, फर्स्ट कंटेनर से इफ ही मिक्सेस 28 लीटर ऑफ मिल्क ऑफ द फर्स्ट कंटेनर, अगर वो फर्स्ट कंटेनर से 28 लीटर टू दी 32 लीटर ऑफ मिल्क ऑफ सेकेंड कंटेनर, और जो सेकेंड कंटेनर है उससे 32 लीटर को मिक्स करता है,
देन परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। तो जो वो मिक्सचर बनेगा, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये आपका एक कंटेनर है, ये आपका दूसरा कंटेनर है। इन दोनों को आप यहाँ से क्या करा कि ये जो फर्स्ट कंटेनर है यहाँ से 28 लीटर लिया, यहाँ पे मिला दिया, और जो सेकेंड कंटेनर है यहाँ से 32 लीटर लिया और यहाँ पे मिला दिया। ठीक है, यहाँ पर मिला दिया, ठीक है, बात समझ आ रही है। और ये आपका कंटेनर इस तरीके से फुलफिल हो गया। ठीक है, तो वो पूछ रहा है ये वाला जो थर्ड कंटेनर बना आपका, ये जो आपका थर्ड कंटेनर है, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मिल्क कितना है। यहाँ पूछ रहा है क्या है, देन परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। तो ये जो मिक्सचर आपका बना है थर्ड, इसमें आपका जो है परसेंटेज ऑफ मिल्क कितना है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आप डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे। क्या है डेविएशन, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, देखिए इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। करना क्या है, देखो 80% है आपका, ये 28 है, तो जो 28 और 32 है इसको रेशियो में चेंज कर लो। तो कितना हो जाएगा बोलो इसको, ये आपका हो जाएगा 28:32, ये आपका हो जाएगा 4×7=28, 4×8=32, 7:8 में हो गया आपका। और इसका आपका कितना है 80%, और यहाँ पे कितना है आपका 60%। तो देखो 60% दोनों में डिवाइड कर दो, डेविएशन मेथड यही कहता है 60, तो यहाँ पे कितना है एक्स्ट्रा 20%, ठीक, और यहाँ पे कितना है आपका 60%। ठीक है, तो 60 यानी ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो वैल्यू जो है 60% से अबव ही आने वाली है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू ही 60% से अबव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो थर्ड मिक्सचर में परसेंटेज ऑफ मिल्क है वो आपका 60% तो आएगा ही, साथ में प्लस करके आएगा, 60% अबव आएगा। तो कितना आएगा अबव, देखो इसका रेशियो 7 है, तो ये 7 को रेशियो में, तो इससे आप क्या क्या करेंगे, 7×20% तो आपका 120%। और यहाँ पे तो एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, यहाँ पे एक्स्ट्रा है 0, तो 800 हो जाएगा। तो टोटल आपका कितना है 140%। लेकिन लेकिन ये जो है आपका जो है जो 140 आ रहा है, ये आपका एक्चुअल में जो है नहीं है, क्योंकि ये डिवाइड होगा दोनों में, तो दोनों का कितना 8×7=15 होता है, ये 15 से डिवाइड होगा तब जाके इसमें जुड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका कितनी वैल्यू आई है, ये आप क्या ये ठीक है, इसको आप डिवाइड कर देंगे 5×5×10, 5×8=40। ठीक है, आपका क्या है 28/3, और 28/3 आपका होता कितना है, आप इसको चाहो तो निकाल सकते हो, या आपका अगर 3×27, ठीक है, और 0.33, तो मतलब आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 69.33%। ठीक है, 69.33% आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ मिल्क आ जाएगा, जो थर्ड मिक्सचर बनाया है, कि फर्स्ट जो आपका कंटेनर है उससे आपने 28 लीटर निकाला है, जो सेकंड कंटेनर है उससे आपने क्या करा है 32 लीटर निकाला है। तो उस हिसाब से हमारा जो थर्ड आपका कंटेनर बना है उसमें जो परसेंटेज ऑफ मिल्क है कितना बनेगा आपका, वो आपका बनेगा 69.33%। मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, 60 किलोग्राम ऑफ एन अलॉय ए इज मिक्सड विथ 100 किलोग्राम ऑफ अलॉय बी। ठीक है, तो 60 ये आपका ए है अलॉय, ये आपका 16 किलोग्राम का है। ठीक है, और अगला आपका क्या है, नेक्स्ट आपका जो अलॉय है वो आपका 100 किलोग्राम का है। अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, ए में आपका क्या है 60 किलोग्राम, और बी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपके कितने हैं, ये आपके हो गए 60 किलोग्राम, और ये आपका हो गया 100 किलोग्राम। बात समझ आ रही है, तो देखो अलॉय ऑफ बी, ठीक है, इफ अलॉय ए हैज लीड एंड, ठीक हैज लीड, लीड एंड टिन का जो मिक्सचर है इसमें 3:2 का है, तो इसमें जो आपका लीड और टिन का है, लेड और टिन का है 3:2 का रेशो। ठीक है, और यहाँ पे अलॉय बी हैज टिन एंड कॉपर, उसमें क्या है आपका टिन एंड कॉपर है, तो टिन एंड कॉपर का रेशियो आपका है 1:4, तो यहाँ पे क्या है आपका टिन और लेड है, और यहाँ पे है आपका टिन और कॉपर। ठीक है, टिन और कॉपर, CU आप उसको बोल सकते हैं लेड को। ठीक है, तो लेड का वैसे SN साइन होता है, ठीक है, टिन SN आपका होता है, टिन सॉरी टिन टिन होता है SN, ठीक है, लेड होता है PB। ठीक है, बात समझ आ रही है, तो जनरली ऐसे आपको समझ आ जाए कि टी से टिन होता है, एल से लेड, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है, जनरली मैं केमिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ, तो SN साइन जो आपका होता है, SN साइन किसका होता है, टिन का, और जो लेड का साइन होता है आपका PB होता है। ठीक है, LEAD, लेड। ठीक है, चलिए तो उसके बाद वो क्या कह रहा है, देन अमाउंट ऑफ टिन इन द न्यू अलॉय इज, ठीक है, तो न्यू जो अलाउ
अलॉय बनेगा, इसको भी आपने मिक्स किया और इसको भी आपने क्या करा, थर्ड कंटेनर में मिक्स कर दिया। ठीक है, थर्ड कंटेनर में मिक्स कर दिया। तो जो थर्ड कंटेनर आपका बना, जो सी बना आपका, इसमें आपका जो है टिन कितना अमाउंट में है, तो बस आप क्या करो, यहाँ से टिन का अमाउंट निकालो, यहाँ से टिन का अमाउंट निकालो, दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ पे देखो, सी में निकालना है हमें टिन का अमाउंट, सी में हमें टिन का अमाउंट निकालना है। तो देखो ये जो 60 है, ये किसकी वैल्यू है, टोटल 5 की वैल्यू है, इसमें से टिन निकालना है। तो टिन कितना निकलेगा, देखो 3 की है, 3 की वैल्यू निकालनी है। प्लस अब यहाँ पे देखो, ये जो 100 वैल्यू आप देख रहे हो, ये वैल्यू किसकी है, 5 की है टोटल, क्योंकि ये रेशियो है, टोटल रेशियो आपका इतना दे रखा है, मतलब ये टोटल की वैल्यू कितनी है, 100। निकालनी किसकी आपको, टिन की, मतलब 1 की वैल्यू निकालनी है। तो बस इसको 12 पंजे 60 और 20 पंजे 100, आपका कितना हो गया, 12 तीन 36, प्लस आपका कितना हो गया 20। ओवरऑल आपका जो टिन की वैल्यू आ गई कितनी है, वो आपकी 56। ठीक है, तो यहाँ से यही निकला, 3 दो 5, 5 के हिसाब से, 5 एक 5, 5 दो 10। ठीक, ऊपर कोई गड़बड़ी तो नहीं कही हमने, सॉरी लेड और टिन का है ना ये, लेड और टिन, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू निकालोगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बस यही सब चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 3 की नहीं, क्योंकि, और हाँ एक बार मैं यहाँ पर भी थोड़ा बता देता हूँ आपको, तो ये आपका लेड टू टिन आपको रेशो दे रखा है, रेशो भी आपको देखना है कि रेशो किस किस का दे रखा है, ये आपका लेड हो गया, ये आपका टिन हो गया। ठीक है, तो आपको निकालनी है 2 की वैल्यू, तो 2 के हिसाब से 12 दोनों 24, और 24 के हिसाब से बोलो कितना हो जाएगा, 44 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 के हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा बोलो, ये आपका हो जाएगा 44 किलोग्राम। तो जो न्यू मिक्सर है उसमें जो है आपका, जो आप देख रहे हैं ये आपका जो टिन है, ठीक है, टिन है जो न्यू अलॉय बनेगा, उसमें जो टिन का अमाउंट कितना रहेगा, 44 किलोग्राम। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, ये आपका 2015 मेंस में आ रखा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड, और ये सीजीएल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सीजीएल, सीएचएसएल, इन सभी के जितने भी पेपर होते हैं, सीपीओ, तो वो सभी के हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है, आप लोग देखेंगे, टू विजिल 44 किलोग्राम, क्या एक 44 किलोग्राम का है, एंड 24 किलोग्राम कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो। ठीक है, तो दो विजिल हैं, एक आपका 44 किलोग्राम का है, नेक्स्ट जो आप देख रहे हो नेक्स्ट है आपका 24 किलोग्राम का है, फर्स्ट में मिल्क टू वाटर का रेशियो 7:8 है, नेक्स्ट में आप लोग देख रहे हैं मिल्क टू वाटर का रेशियो कितना है, 13:5। ठीक है, तो ये आपका मिल्क टू वाटर और ये भी आपका मिल्क टू वाटर रेशियो दे रखा है। ठीक, चलिए अगली बात, अगला क्या कह रहा है, इफ बोथ विजल्स आर मिक्सड इन रेशियो 1:1, इनको 1:1 में जो है अगर मिक्स कर दिया जाए, देन फाइंड रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। ठीक है, तो न्यू मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, ठीक है, अगर यहाँ से 1 लिया जाए और यहाँ से भी 1 लिया जाए, यानी इन दोनों को 1:1 में जो है अगर मिक्स कर दिया जाए, तो जो थर्ड मिक्सचर बनेगा, न्यू मिक्सचर बनेगा, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा। तो इसके लिए देखो क्या करो, बहुत ही आसान ट्रिक है, इसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान से समझना, इसके लिए आपको क्या करना है, पहला वाला जो आप देख रहे हो, पहला वाला रेशियो कितना है, 7:8, ये आपका फर्स्ट मिक्सचर है, सेकंड मिक्सचर आप लोग देख रहे हैं कितना है, 13:5। जब भी आपको 1:1 में करेगा ना, तो पहले आप कुछ मत देखो, पहले इन दोनों को इक्वल करो, इन दोनों को इक्वल करो, कितना है देखो, तो ये आपका हो गया 8:7 15, ये आपका हो गया 13:5 18। ठीक है, और इस हिसाब से ये कितनी बार जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये 15 हो गया, 15 10 15 45 15 60, 15 96, तो 90 18 5 90, 15 96 90 18 5 90। तो कहने का मतलब क्या है, इसे इसे आप 6 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 6 से डिवाइड करेंगे, और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आप 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आप 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये आपका हो गया बराबर, ठीक है, अब ये अगर आपका बराबर हो गया, तो यहाँ भी आप क्या हो गया, 1:1, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब क्या है, इस पूरे में आप 6 से डिवाइड करेंगे, इस पूरे में आप 5 से डिवाइड करेंगे, तो इसको कर दो, देखो कितना आएगा, देखिए अच्छे से आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर, तो मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये हो गया आपका 6। ठीक है, तो दोनों को बराबर आपने कर दिया है 6 और 5 से। ठीक है,
तो अब ये कितना, क्योंकि ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा 90 हो गया है, ये पूरा 90 हो गया है। अब जिस रेशो में वो कह रहा है उस रेशो में कर लो, मतलब पहले ये 1:1 के रेशो में कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हमारा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे कितना है देखो, 7×6 = 42, और यहाँ पे कितना आया 53×5 = 65, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पे कितना आया 8×6 = 48 आया, प्लस यहाँ पे कितना आया 55×25, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे फटाफट कितना आएगा, 5×2 = 7, 6×2 = 8, 87 कुछ आ रहा है क्या, कुछ हमने गलती करी है। 7×6 = 42 और 53×65, ठीक है, 18×90। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या रहा है देखो, 8×5 = 13 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, 8×5 = 13, 4×2 = 6 और 1 = 7, 4×2 = 1 = 7, तो 73 के हिसाब से आपका राइट आंसर आ रहा है। और सॉरी, 6×4 = 10 होता है ना, मैं कुछ और ही काउंट करने में लग रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो ऐसा कई बार एग्जाम में भी हमारे साथ हो जाता है कि हम आंसर तो सही निकाल लेते हैं, कहीं ना कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं यार आंसर क्यों नहीं निकल रहा है, ठीक है। इसे थोड़ा कूल माइंड होकर हमें पेपर देना होता है, ठीक है। तो ये हमारा 107:73, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, आई होप यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कुछ और भी क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूँ इस पैटर्न पर, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर मान लो कि जिन बच्चों को इसमें क्लियर नहीं हुआ है वो इसको वीडियो को दोबारा देखेंगे, अदरवाइज मैं और क्वेश्चन करा रहा हूँ तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ए एंड बी आर टू एलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मेटल्स इन प्रोपोर्शन इतना, ठीक है। तो ए और बी आपके दो एलॉय हैं, ठीक है, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। एलॉय ए में आपका प्रोपोर्शन किस प्रोपोर्शन में मिक्सअप है, 13:11 के रेशो में, ठीक है। एलॉय जो टू है, एलॉय आपका क्या होता है, जब दो दो या दो से ज़्यादा जो आपके मिक्सचर रहते हैं, ठीक है, तो उनको जब मिला के बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं एलॉय, ठीक है। या दो से जैसे कि एलॉय आपका होता है जब एक से ज़्यादा मेटल होती है, एक या दो, जिस दो मेटल को यूज़ करके आपने एक नई मेटल बनाई तो उसको बोलते हैं एलॉय, ठीक है। चलिए तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने आयरन और पीतल लिया, आयरन पीतल को आपस में मिक्सअप करके एक नई मेटल बना दी तो वो आपके अलॉय हो जाएंगे, ठीक है। और जो आपका बी है, बी में आपका रेशियो दे रखा है 5:7, ये आपका हो गया अलॉय, ठीक है। एक ये हो गया अलॉय 1, ठीक, ये आपका हो गया अलॉय बी, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ टू अलॉयज मेल्टेड टू इक्वल क्वांटिटी, मतलब दोनों की इक्वल क्वांटिटी, तो फटाफट इसको इक्वल करो। ये 3:11 आपका 11 हो गया और ये आपका कितना हो गया, 5:7 आपका 7 हो गया। पहले तो इक्वल करो कितना, ये आपका हो गया 23, 23 या 24, देखिए गलत कर रहा हूँ फिर से मैं, ये आपका कितना हो गया 24, ठीक है, ये आपका हो गया 24, ठीक है, ये आपका हो गया 24, 13+11 = 24, ये आपका हो गया 7×5 = 12। इसको आपको इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए बस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया इक्वल, ये भी 24 ये भी 24। अब वो क्या कह रहा है, मेल्टेड फॉर्म आर थर्ड एलॉय, ठीक है, इनको आपने क्या करा है, इक्वल करके आपको थर्ड एलॉय में रख देना है। तो जो थर्ड एलॉय बनेगा उसमें कॉपर, उसमें क्या है, टिन टू कॉपर आपका रेशियो क्या होने वाला है, उसमें टिन टू कॉपर आपका रेशियो क्या होने वाला है, सी में, ये आपका सी है, इसमें आपका टिन टू कॉपर रेशियो क्या होगा, टिन टू कॉपर रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो बस इक्वल कर देना है, बस ये इक्वल हो गया आपका, यानी कि इसके लिए इक्वल करने के लिए आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका इक्वल हो गया ना, ये भी 24 हो गया, ये भी 24 हो गया, बस उसने कहा है इक्वल क्वांटिटी, इसकी भी इक्वल क्वांटिटी, इसकी भी इक्वल क्वांटिटी आपने ली और उसको मिक्स कर दिया, तो जो रेशियो बनेगा वो बताओ क्या होगा। तो ये आपने इक्वल कर दिया तो रेशियो देखो क्या बनेगा आपका, ये तो 13 बनेगा, +5 × 10 आपका ये बस 10 बना। अगला क्या है, यहाँ पर 11 है, +7 × 14 आपका हो गया, ठीक है, तो ये आपका हो गया 23, और देन यहाँ पे आपका कितना हो गया 25, तो ये आपका हो गया 23:25, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द रेशो, ठीक है, द रेशोज ऑफ कॉपर टू जिंक इन एलॉय ए, तो ये एलॉय ए है आपका, ठीक है, इसमें कॉपर टू जिंक आपको दे रखा है 3:4, ठीक है, कॉपर से जिंक, ठीक है। अगला आपका क्या कह रहा है, एंड एलॉय बी, ठीक है, एलॉय बी है आपका, और इसमें आपका 5:9 दे रखा है, 5:9, वो भी कॉपर टू जिंक, ठीक है, ये आपका 5:9 दे रखा है। अगला क्या कह रहा है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है,
रिस्पेक्टिवली का मतलब इसकी इस ये जो वर्ड आप देख रहे हो इसकी भी बहुत विशेषता है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, जैसे कह रहे हैं पहले ए का रेशो है तो पहले ए का रेशो है, बी का रेशो, देन बी का रेशो, ठीक है। तो पहले बात ए की हो रही है तो इसलिए ए का रेशो आपका 3:4 है, नहीं तो, और फिर आपका बी है जो, तो बी का रेशो कितना है, 5:9। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रेशो किसका है, कौन सा ए का है कौन सा बी का। तो जो रिस्पेक्टिवली का है मतलब अगर पहले ए आया है तो पहले ए की रेशो के बारे में बात की जा रही है, और अगर फिर बाद में बी आया है तो बाद में जो रेशो है वो बी का रेशो है, ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए देखेंगे, ए एंड बी आर टेकन इन द रेशो 2:3, ठीक है। ए और बी को 2:3 में लिया गया, तो पहले आप क्या करेंगे फटाफट इसको इक्वल कर लेंगे। तो ये आपका हो गया 3:4 और ये आपका कितना हो गया, 5:9। पहले आप इक्वल करेंगे तो 4 × 3 = 7 हो गया, और ये क्या आ गया आपका 9 × 7 = 9, 5 = 14। तो इक्वल करने के लिए बस ऊपर आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, ए एंड बी आर टेकन इन द रेशो 2:3। तो अब ये आपके कितने हो गए, ये आपके इक्वल हो गए 14, ये आपका हो गया 14, मतलब आपने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई की है, तो ये आपने 2 से मल्टीप्लाई की, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई की, अब ये इक्वल हो गया। अब इसको किस रेशो में कह रहा है, ए एंड बी आर टेकन इन द रेशो 2:3, तो यहाँ से 2 लिया, यहाँ से आपका 3 के रेशो में लिया, तो फाइनल जो मिक्सचर आपका 3 बनेगा उसमें क्या, व्हाट इज द रेशो ऑफ कॉपर टू जिंक, तो यहाँ पर कॉपर से जिंक का रेशो क्या बनेगा। तो आपको यहाँ से 2 लेना है फर्स्ट मिक्सचर से, क्योंकि आपका फर्स्ट मिक्सचर है। सेकंड मिक्सचर से आपको क्या कर लेना है, 3 रेशो में लेना है। तो बस आपको करना क्या है, यानी कि ऊपर आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से, और मल्टीप्लाई कर दो, नीचे आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, ये आपका गया 3। तो मैं इसको हटा के क्या लिख देता हूँ, 4 लिख देता हूँ फटाफट, ठीक है। ये आपको आपका हो गया 4, ये आपका कितना हो गया 4, इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 3 = 12 प्लस ये आपका कितना हो गया, 5 × 3 = 15, जोड़ दिया इधर, 4 × 16 हो गया आपका, प्लस ये आपका कितना हो गया, 9 × 3 = 27, ठीक है। जोड़ दो, देखो आंसर क्या आने वाला है आपका, तो 5 × 2 = 7 = 27 हो गया, मतलब पहला आने वाला है, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, 7 × 6 = 13, 2 × 1 = 3, 2 × 1 = 4, तो 27:47, सॉरी 43, 27:43 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है कैसे करने हैं। तो ये जो रेशो मेथड है, रेशो मेथड हमने आपको जो है रेशो वाले चैप्टर में कराया है, अभी तो वैसे मैंने नहीं कराया, मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो रेशो मेथड इस तरीके से काम करता है, बात समझ आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। अलॉय ए कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन द रेशो ऑफ, एंड अलॉय बी कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन द रेशो इतना, ठीक है, 19:8, ये क्या कर रखा है, 19:8:3, ये है आपका, एक मिनट में जरा क्वेश्चन देख लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। हाँ देखो दिक्कत है कि ये आपको दे रखा है 3:4 और 5:9, 3:4 और 5:, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ये सॉरी एक मिनट रुको, आपका 5:2 दे रखा है, एलॉय ए कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन द रेशो ऑफ एंड इन द रेशो, ठीक है ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ी थोड़ा गड़बड़ हो रखा है, ठीक है, इसको आप नोट करेंगे तो देखते हैं हम मैं कि पूरा सही है क्या, ये 9:8 में, नहीं, यहाँ पे दिक्कत आ रही है ना। चलो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपका सही कैसे होगा, मैं इसको जब PDF आपको प्रोवाइड करूँगा तो उसमें आपका सही हो जाएगा, ध्यान से समझना। देखो क्या कह रहा है, एलॉय ए कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन द रेशो 5:2, ठीक है। तो एलॉय ए है जिसमें 5:2 के रेशो में है, ठीक है, जिसमें आपका क्या है, ये 5:2 के रेशो में है, ये आपका, जब मैं आपको PDF इसका प्रोवाइड कराऊंगा तो वहाँ पे इसको क्वेश्चन को सही कर दूंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद वो क्या कह रहा है, बी है, बी में आपका कॉपर टू जिंक का रेशो कितना है, 1:3, कॉपर टू जिंक कितना है रेशो, 1:3। ए एंड बी आर टेकन इन द रेशो 9:8 एंड मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू अलॉय, तो इनसे लिया जाता है क्या, क्या यहाँ से लिया जाता है 1, यहाँ से सॉरी यहाँ से लिया जाता है 9, यहाँ से लिया जाता है 8, तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें जो है आपका परसेंटेज ऑफ जिंक पूछा है, तो अगर परसेंटेज ऑफ जिंक पूछा है तब भी आपको रेशो तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, तब भी आपको रेशो तो निकालना ही पड़ेगा कॉपर टू जिंक, ठीक है, कॉपर टू जिंक आपको रेशो निकालना ही पड़ेगा। तो देखो पहले आप क्या करो, पहले इन दोनों को इक्वल करो, पहले इन दोनों को आपको क्या करना है, इक्वल करना है 1:3, तो ये कितना है, 5 × 2 = 7 और ये कितना है 4,
तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 7 से, तो दोनों कितने हो गए बोलो, 28, आपका हो गया 28, ठीक है। तो ये 4 से मल्टीप्लाई किया आपने यहाँ पर, ठीक है, ये आपने इक्वल कर दिया 7 चौक 28, 7 चौक 28। अब वो क्या कह रहा है, इसको 9 रेशो, इसका आपने 9 रेशो लिया, इसका आपने 8 रेशो लिया, इसका आपने 8 रेशो लिया, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये मैंने लिखा है ताकि आपको पता लग जाए कि ये इक्वल हम कर रहे हैं। पहले हम इक्वल करते हैं, सबसे पहले इक्वल करो, उसके बाद जिसमें डिवाइड करना है उसमें डिवाइड कर दो। तो अब देखो, अगर ये रेशियो में यहीं पे कट रहा है ना, तो इसको काट दो, 4 दूना 8, तो यहाँ पर आपको 9 से मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर 14 से, तो यहाँ पर आपको 9 से मल्टीप्लाई करनी है और यहाँ पर 14 से मल्टीप्लाई करनी है, तो कर दो। यहाँ पे देखो 9 पंजे 45 आ गया आपका, प्लस 14 एकम 14, प्लस यहाँ पे आपका 9 दूना 18, सॉरी प्लस नहीं आ गया, यहाँ पे रेशियो है ना, यहाँ पर क्या है, रेशियो, ठीक। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया रेशियो। तो रेशियो के भी यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पर कितना हो गया, 9 दूना 18, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर आपका जो जिंक का रेशियो कितना है, 14 दूना 28 14 दिया 42, ठीक है, तो 14 दिया 42, तो ये आपका हो गया 42। तो यहाँ पे जोड़ के देखो कितना है, 5 4 9, और ये आपका क्या, 59, कितना दे रहा है ये, लेकिन अच्छा हाँ, परसेंटेज जिसने कहा है ना, तो ये आपका हो गया 59, तो ये आपका 5 4 9 59। अगला क्या कह रहा है आपका, 8 2 10 और 4 और 1 5 और 1 6, तो आपका रेशियो कितना निकला, आपका रेशियो निकला है आपका इतना, और आपको निकालना है परसेंटेज, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कॉपर टू जिंक है, कॉपर टू जिंक आपका है, और पूछा क्या है, जिंक का परसेंटेज, ठीक है, पूछा क्या है, जिंक का परसेंटेज। तो देखो जिंक का परसेंटेज आप निकालोगे, परसेंटेज ऑफ जिंक इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय टोटल, तो 60 डिवाइड बाय आपका टोटल, टोटल कितना है, 9 6 5 11 119, ठीक है, 6 5 11 119, इसका परसेंटेज भी निकाल दो, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन फंसते हैं, तो यहाँ पर कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कत होती है। इसको देखो कैसे करोगे, 119 को करीब करीब आप 120 मान लो, तो कितना आ जाएगा, देखो 120 जब आप ऐड करेंगे 2 टाइम्स, ये आपका जाएगा 50 टाइम्स, 50 टाइम्स जाएगा। लेकिन जरा एक बात आपको क्या पता चला, ये है कि आपने एक नीचे बढ़ाया है, अगर आप एक नीचे बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी वैल्यू क्या आएगी, इधर कम आएगी, तो यानी कि जो हमारा एक्चुअल वैल्यू होगी ना, वो 50% प्लस होगी। लेकिन 50% कितना, क्योंकि हमने एक ही नीचे बढ़ाया है, इसलिए ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ऑलमोस्ट पॉइंटों में ही बढ़ेगा वैल्यू, जैसे एक दो नहीं बढ़ेगी, पॉइंटों में ही बढ़ेगा। तो पॉइंटों में कितना बढ़ेगा, 50 प्लस, तो 50.42 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है, 120 से आपका 50% आया, लेकिन आपने नीचे क्या करा था, नीचे आपने वैल्यू एक बढ़ाई थी, जबकि बढ़ाने पर क्या आता है, जब आप नीचे बढ़ाएंगे तो वैल्यू आपकी कम आती है, तो एक्चुअल में जो वैल्यू आई है आपकी, वो 50% से अबव आएगी। अब हमने नीचे कम ही बढ़ाया है, तो उस हिसाब से हमारा जो बढ़ेगा वो पॉइंटों में बढ़ेगा, ना कि वैल्यूज में, ठीक है, तो इसलिए 50.42। बात समझ आ रही है, ठीक है, चलिए, तो इसको मैं आपको क्वेश्चन को सही कर दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग लिखेंगे, नोट करेंगे, टू विजिट कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:9 एंड 7:11। तो पहला आपका 5:9 है, अगला आपका क्या है, 7:11 है, इफ बोथ विजिट्स आर मिक्सड इन द रेशियो, पहले जो जिस रेशियो में मिक्स करा है, पहले आप इसको इक्वल कर लो, 9 5 14, यहाँ पे कितना है, 11 और 17 7 हो गया आपका 18, और ये आपका क्या हो जाएगा, 14 2 28 14 42 14 56 14 75 14 84 14 97 98, ये आपका इक्वल कहाँ हो रहा है बताओ जरा, 14 और 18, ये इक्वल कहाँ हो रहा है, तो 2 से 2 7 14 2 9 18, 9 7 63 गुना 2 कितना जा रहा है, देखो तो ये आपका जा रहा है 103 6 और 6 2 12 126, ये 126 टाइम्स जा रहा है, ठीक है, तो 14 निम्मा 126 और 18 18 8 126, 18 नहीं 18 8 144 होता है ना, 18 8 144 होता है, तो 18 18 6 118 6 118 7 126, ठीक है, तो आपका कितना हो गया, 18 7 126, तो आपने इक्वल कर दिया, ये भी आपका 126 आ गया, 18 7 126 और 14 निम्मा 126, तो आपका इक्वल हो गया। अब वो कह रहा है जिस रेशियो में कह रहा है उसमें आप इसको डिवाइड कर दो, क्या कह रहा है, 4:3 में, पहले को 4 में दूसरे को 3 में डिवाइड कर दो। अब क्या कट रहा है यहाँ पर, हाँ कट रहा है, तो 3 3 9 काट दिया, तो पहले में आप यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, और इधर जो आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो यहाँ पे रेशियो निकाल दो, कितना आएगा, 12 5 60 प्लस यहाँ पर कितना गया, 7 7 49, ठीक है। अब यहाँ इसका देख लो, दूसरा जो वाटर का रेशियो है, तो 12 निम्मा 108 प्लस आपको कितना हो गया, 11 7 77, ठीक है, इसको जोड़ दो, 9 6 4 10 109 हो गया आपका, तो जाहिर सी बात है यही आंसर होना चाहिए, ठीक
अब इसको भी देख लो, 8 7 आपका केंद्र हो गया 15, 7 और 1 8, और ये कितना हो गया आपका 1 का 1, ठीक है, सॉरी इक्वल कर दिया मैंने, बीच में आपका आएगा क्या रेशियो आएगा आपका बीच में, ये आपका आ गया रेशियो, सॉरी हाँ ये रेशियो आएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया बोलो, राइट आंसर आपका आ गया 109:185, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, टू विजिल कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है। इन फर्स्ट मिक्सचर मिल्क इज 31.25 लेस परसेंट लेस देन द वाटर, ठीक है। तो इतना परसेंट लेस है, तो पहले आप इसकी वैल्यू निकाल दो कितनी आएगी, देखो 31, और पॉइंट पॉइंट टू फोर को हम क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं 0.24 को, ठीक है, बात समझ आ रही है। क्योंकि 1/4 आपका कितना होता है, आपका 0.25% होता है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा, देखो 4 एकम 4, 4 दिया 12, +1/4, क्योंकि परसेंटेज है ये, तो अपॉन में आ जाएगा 100, ठीक है। तो आपका कितना आ गया ये 150, ये आपका हो गया 4 × 100, 25 × 125, 25 × 100 कितना आ गया बोलो, 5/16, 5/16 आ गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कि 1/16 की वैल्यू कितनी होती है बोलो, 16 की वैल्यू होती है आपके 6, 1/4 ये आपकी वैल्यू होती है, तो ये जो मल्टीपल है किसका, 6 का मल्टीपल है, 6 × 5 = 30, मतलब ये 5/ आपका 16 है, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी है आपकी, ये आपकी है 5/16 की वैल्यू, इस तरीके से भी आप इसको पहचान सकते हैं, ठीक है, 5/16, क्योंकि 1/16 की वैल्यू कितनी है 6, 1/4, और ये 31 किसका मल्टीपल है, 6 × 5 = 30, 5 टाइम जा रहा है, तो 5/16 की वैल्यू है, तो 5/16। तो इसमें देखो हम कितना निकालेंगे, तो मिल्क जो है ये आपका, जो ये आपका एक्चुअल जो आप देख रहे हो लेस देन वाटर, तो जब लेस देन वाटर है तो वो इसको वाटर मान लो, उससे 5 कम है, तो 5 कम है तो कितना आएगा ये वाटर, और ये मिल्क हो गया आपका इतना, और वाटर हो गया आपका 16, तो ये आपका हो गया मिल्क टू वाटर आपका रेशो हो गया। क्योंकि देखो ये आपको जितने भी करने लेस देन वाटर, क्योंकि वाटर से कम है तो वाटर को आप 16 मान लो, जितना कम है कितना ऊपर वाला आपका लेस या मोर आता है, तो ये 5 कम है वाटर, तो 16 से 5 कम मतलब 11 है, ठीक है। अगला देखो, ये तो आपका फर्स्ट मिक्सचर हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन सेकेंड मिक्सचर द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 11%, तो 11% की वैल्यू आप लोग जानते हो 9 होती है, ठीक है, 1/9 होती है ऑफ टोटल मिक्सचर, ठीक है। क्या कह रहा है, बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर 1:9, तो कहने का मतलब क्या है, तो इसमें आपका क्या कह रहा है ये, इन द सेकेंड मिक्सचर द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज इतना, तो जाहिर सी बात है 9 है आपका टोटल मिक्सचर, ठीक है, टोटल मिक्सचर है जिसमें से आपका जो है मिल्क एंड वाटर। तो एक बात ध्यान से समझना, अगर इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है ना जिसमें उसने बता नहीं रखा है कि किसका कितना परसेंटेज है, तो उस हिसाब से आप लोग क्या मानेंगे, टोटल आपका जो है इस हिसाब से आप लोग मानेंगे, आप इसको मान लेंगे 5 और 4, 5 और 4 के मिक्सचर में आप इसको मान लेंगे 5 और 4। देखो आप ऐसा मैंने क्यों माना, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इसने कहा है कि ये जो है टोटल मिक्सचर, क्योंकि ये 1/9 है, तो ये आपका टोटल मिक्सचर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, टोटल मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 5:4 मैंने लिखा है, टोटल आपका 9 है, और ये आपका 11.11% था, तो आप कहेंगे सर आपने 5 और 4 के रेशियो में ही क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये तो हमने 4:4 इक्वल कर दिया, लेकिन आपको पता है जब आप दूध लेते हैं तो उसमें दूध का परसेंटेज या फिर रेशियो ज़्यादा होता है ना, तभी तो वो दूध लगता है, तो यहाँ पे दूध की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5:4 आपका हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने 5:4 लिया है। तो इस तरीके का जब भी आपका जैसे परसेंटेज बनता है, जैसे 1:9 या 1:16 या 17 कभी भी आपका बनेगा, तो आप एक वैल्यू जो है ज़्यादा ही लेंगे, किसकी, मिल्क के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5:4, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, ऐसा अगर आता है और मिल्क और रेशो आपका नहीं दे रखा है 1:9 है, तो इसी में आपको डिवाइड करना है कि रेशो और इसमें आपका मिल्क कितना होगा, वाटर कितना होगा, तो उसी हिसाब से आप क्या करेंगे, हमेशा मिल्क को एक ज़्यादा रखेंगे वाटर से, ठीक है, तो 5:4, ठीक है। चलिए तो अब वो क्या कह रहा है इसमें, ठीक है, और इफ 10.5 लीटर ऑफ फर्स्ट मिक्सचर, ठीक है, फर्स्ट मिक्सचर का 10.5 लीटर और सेकंड मिक्सचर का क्या है 17.5 लीटर, ठीक है, इज मिक्स्ड देन, तो अब देखो इसको लिया है मतलब ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, और इसको आपका थर्ड में रख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 11:16 है आपका, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है 5:4 है, यहाँ से आपको कितना लिया है 10.5 लीटर लिया है, यहाँ से सेकंड मिक्सचर से इतना, तो ये आपका थर्ड मिक्सचर बनाए, तो इसको भी आप रेशो में निकाल दो,
ठीक है, तो आपका रेशो कितना आ गया, 15:7 105, और आपका 15 × 15 = 95, 115 × 95 = 150, तो आपका करीब करीब कितनी बार जाएगा बोलो। ये आपका जाएगा, यहाँ भी एक रेशो, यहाँ भी एक रेशो निकाल दो, तो 15 × 10 = 5, और ये आपका क्या, 5 × 5 = 15 और 5 × 25, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से वो कितना जाएगा, 3 × 7 = 21, और सॉरी 7 × 7 = 21 और 7 × 35, आपका कितना जाएगा, 7 × 21 और 7 × 21 और 7 × 35, तो रेशो आपका आ गया 3:4। तो पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट मिक्सचर से आपको तीन तीन के रेशो में मिलाना है, सेकंड मिक्सचर से 5 के रेशो में, तो फाइनल मिक्सचर आपका क्या बनेगा, बस वो यही देखना है आपको। तो यहाँ पे देख लो, ये आपका कितना बना टोटल, 16 और 11 कितना बना आपको बोलो, ये आपका 27 बना, और यहाँ से कितना बना, 9, इक्वल करना है 3 से, इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसको पहले को 3 के रेशो में और दूसरे को 5 के रेशो में मिलाना है, तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, तो इधर आपको केवल 5 से मल्टीप्लाई करनी है, बस देख लो, ये आपका हो गया 11 + 5 = 25, 11 हो गया। अगला आप देखेंगे कितना हो गया, ये तो आपका 16 हो गया, प्लस आपको कितना हो गया, 5 × 20, तो ये आपने 20 मिला दिया, तो यहाँ से आ गया आपका 36, यहाँ से भी आपका 36, मतलब रेशो आपका कितना बनना है, 1:1, ठीक है। तो 1:1 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो ये मेंस का 2017 का क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 3 glasses of equal volume contain acid and water with water। अब थ्री आपको, अब तीन मिक्सचर दिए जा रहे हैं, ठीक है, रेशो ऑफ एसिड टू वाटर आर इन द रेशो रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कंटेन्स कंटेंट्स ऑफ दीज ग्लासेस आर पोर्ड इन लार्ज ग्लास, ठीक है। तो ये तीन मिक्सचर है आपके, ये 1, 2 और ये 3, तो पहले में आपका जो है एसिड टू वाटर 2:3, 3:4, नेक्स्ट है आपका 4:5, तो यहाँ से भी लिया है, यहाँ से भी लिया है, तो इन तीनों को मिला के एक नया मिक्सचर बनाया गया है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कह रहा है, ये द रेशो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द लार्ज वेसल, तो ये जो लार्ज वेसल आपका बना है, लार्ज वेसल बना है, इसमें आपका एसिड टू वाटर जो है क्या रेशो रहेगा, तो सिंपल आपको करना क्या है, इन सब को इक्वल कर दो, 3:4 या आपका क्या गया, 4:5, यहाँ पे कितना बना देखो, 5, यहाँ पे कितना बना, 4 × 3 = 7, और यहाँ पे कितना बना, 9, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आप लोग किससे करेंगे, तो 7:9 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बोलो किससे करोगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 5 × 9 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 5 × 7 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करनी है 9 × 7 = 63 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है आपको किससे, 9 × 5 = 45 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है आपको 7 × 5 = 35 से, ठीक है। तो बस निकाल दो कितना आएगा, देखो अगर इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 2 = 6 126 आ जाएगा, 45 × 90 = 45, 2 × 90 = 45 = 135 आ गया, प्लस यहाँ पे जोड़ दो 35 × 70 और 70 = 140, तो कितना आ गया यहाँ पर, 6 × 5 = 11, और ये आपका 4 × 2 = 6, 3 × 9 = 10 और 4 × 1 = 5, ये 501 आ रहा है आपका, वैसे 401 आ रहा है, हाँ देखो 401 ही तो आएगा, 3 आ गया 3 और 1 = 4, तो ये आपका आएगा 401, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ये आप लिखेंगे 401, ठीक है। अब इसको भी काउंट कर लो, तो यहाँ पे कितना आएगा, 63 तिया, तो 3 तिया 9, 6 तिया 18, प्लस ऐड करेंगे 45 × 90 = 180 हो जाएगा। अगला क्या है आपका, 35 × 5 = 25 और 2 × 4 = 12, और 2 कितना हो गया 14, ठीक है, 5 × 25 = 4 12 = 14, यहाँ पे आएगा 9 × 5 = 14 कैरी 1, 8 × 8 = 16, 4 × 20 = 21 कैरी 2, तो आपको कितना देगा, 514, 8 × 8 = 16, 4 × 20, ठीक है, 20 और 1 = 21 आ रहा है, 20 और 1 = 21, कहीं गलती है क्या, 7 × 5 = 35, यहाँ पे तो 35 से मल्टीप्लाई करेंगे ना हम लोग, 9 है आपका, तो 7 × 5 = 35 हो गया, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, 5 5 × 9, तो 5 × 9, और यहाँ पे क्या हो गया, 7 × 9, ठीक है, 9 × 7 = 63, 9 × 5 = 45, 7 × 5 = 35, और 35 के हिसाब से ये 4:5 है ना, ठीक है। तो यहाँ से कितना है देखो, 5 के हिसाब से 5 × 25 कैरी 2, ठीक है, ये देखो गलती कर दी ना, 5 × 15 = 17, तभी तो कहूँ, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाती है, सबसे गलती होती है, ठीक है। चलिए तो
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये आपका हो गया कितना, ये आप बताएंगे 55 25 कैरी 2 और 5 से 15 और 2 17, यहाँ पे कितना गया, 9 5 14 कैरी 1, 8 8 16, और 16 और 7 कितना हो गया बोलो, 16 7 आपका हो गया 23 और 1 24, 2 कैरी आपके 544। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, 401:544। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। थ्री बॉटल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, अब मतलब इक्वल कैपेसिटी का मतलब सबको इक्वल ही लेना है, उस सबको आप इक्वल कर दो। ठीक है, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 5:7, तो इसका 5:7 है, इसका आपका 7:9 है, और इसका आपका 2:1 है, तो इक्वल करना है। 7 5 कितना हो गया बोलो, 12, 9 7 कितना हो गया, 16, ये आपका हो गया 3, इसका रेशियो बोलो कितना निकलेगा, ये आपका निकलेगा, इसका एलसीएम निकालो, 12 16 और ये 3, 3 के हिसाब से आप लोग बताएंगे इसका, 3 चौक 12, 16 का 16 और 3 एकम 3। ठीक है, अगला आपका आएगा 4 के हिसाब से 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो कितना आ गया, 4 3 12 और 12 चौक 48, तो 48 आपका आया, इसको इक्वल कर दो, 12 चौक 48, 4 से मल्टीप्लाई, 16 3 48 और 18 3 36, तो ये आपका कितना आ गया, 3 एकम 3 और 3 6 18, 16 3 48। ठीक है, ये आपका कितना आ गया, 16 3 48, ये आपका आ गया कितना, 16 3 48। बस आपको करना क्या है, क्योंकि उसने इक्वल अमाउंट में करने को कहा है, मतलब पहले से भी एक लेना है, दूसरे से भी एक, तीसरे से भी एक, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका करना है आपको, 4, यहाँ पे कोई एक दूसरे से कर तो नहीं रहा है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, 16 से मल्टीप्लाई, तो बस इसको ऐड कर लो, 5 चौक 20 हो गया आपका, यहाँ पे कितना हो गया, 7 क्या 21 हो गया, प्लस 16 दूना 32 हो गया। ठीक है, अगला देखो, अगला आपका कितना हो गया, 7 चौक 28 प्लस आपका 9 3 27 प्लस आपका हो गया 16, आपका कितना हो गया, 2 और 1 3, अगला क्या गया, 2 2 4 और 4 3 7। ठीक है, अगला आपका कितना हो गया, 8 7 15 और 6 कितना हो गया 21, कैरी आपका कितना हो गया, 2 2 2 4 और 1 5 2 7, तो आपका राइट आंसर, अच्छा क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सर। ठीक है, न्यू मिक्सर में मिल्क का परसेंटेज मतलब 73 की वैल्यू वो पूछ रहा है, 73/% ऑफ मिल्क मैंने आपको बताया रखा है, 73 है, टोटल कितना है बोलो, 3 और 1 4 7 7 14, 144 है। ठीक है, बस इसका परसेंटेज आपको निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है, तो देखो 73 2 जा कितना हो जाएगा आपका, 73 2 जा आपका हो जाएगा 3 दूना 6 7 दूना 14, मतलब 146, करीब करीब ये कितनी बार जा रहा है, 146 मतलब 2 टाइम्स आपका जा रहा है, अगर मैं ऊपर एक कम कर दूं तो 42 72 के हिसाब से पूरा 2 टाइम्स कट जाएगा, और 2 के हिसाब से कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। अभी जो 50% आया है, ऊपर मैंने एक कम किया, तो कहने का मतलब क्या है, जो वैल्यू आएगी 50% से ज़्यादा ही आएगी, जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 50% से आपकी ज़्यादा ही आएगी, कितनी ज़्यादा आएगी, एक के हिसाब से ज़्यादा तो आने वाली नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, 50.7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, 50.7 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है आप सभी को, क्योंकि यहाँ पर बढ़ा केवल एक ही है, क्योंकि आपका क्वेश्चन था 73/144 × इतना, मैंने क्या करा, ऊपर एक कम कर दिया, ऊपर एक कम किया तो इसको 72 कर दिया, इसके हिसाब से 2 टाइम्स कट गया, ये 50 आ गया, ऊपर एक कम किया था मतलब आना चाहिए था एक, तो मतलब 50 पॉइंट से एक के हिसाब से कितना बढ़ेगा, पॉइंट ही बढ़ेगा, तो 50+ पॉइंट में बनना चाहिए, 50 के हिसाब से आंसर आना चाहिए, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपको थोड़ा सा चैनल के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो ये व्हाट्सअप नंबर है, 6 से 10 82 71 09, इस आपको एक मैसेज टाइप करना है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ KBS, सिंपल आपको ऐड कर लिया जाएगा और PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, बाकी जो वोकैब का बैच है वही आपका पेड है, बाकी आपके फ्री हैं, ये इन सभी की PDF आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, चलिए ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर ही देता हूँ। ठीक है, तो आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, ये वोकैबुलरी का वही आपकी प्ले लिस्ट है, आप यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, फ्री वीडियो क्लासेस है आपकी, और जो बच्चे BSc के हैं तो BSc के जो आपके प्रैक्टिकल फाइल करने का तरीका, लिखने का तरीका, ये सारे यहाँ पे अवेलेबल, बहुत से बच्चों को फायदा हुआ है, आप भी जाके देख सकते हैं अगर आप BSc कर रहे हैं तो। ठीक है, अदरवाइज जो कर रहे हैं आप उनको बता सकते हैं। ठीक है, बैंकिंग क्लासेस है, बैंकिंग क्लासेस का यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिंक अवेलेबल है यहाँ पर, तो यहाँ पे आप आगे आप देख सकते हैं, सारे अवेलेबल है,
ठीक है, धीरे धीरे कंटेंट अवेलेबल वहाँ पे होता जा रहा है, और साथ ही एसएससी की जो वीडियोस है वो भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, उसका लिंक नहीं दिया है, आप चैनल पे जाके जरूर देखिए, आपको वहाँ पे काफ़ी सारा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, अगर आपके छोटे भाई बहन 7th 8th 9th 10th में आप पढ़ रहे हैं, तो आप उन्हें यहाँ से जो है साइंस और मैथ की वीडियो पढ़ने के लिए कह सकते हैं, हमारी टीम लगी हुई है और आपको अच्छे से पढ़ा रही है। ठीक है, आपके छोटे भाई बहन अगर पढ़ रहे हैं तो उनको जरूर बताइए। ठीक है, और कोई भी अगर है तो आप उनको भी बता सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पर आई होप मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, थैंक्स फॉर बीइंग विद केबीएस क्लासेस। अगर कोई क्वारी है हमारे प्रति, कोई सुझाव है तो उसे